अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9, मेमोरीज आर मेड ऑफ बटर मिल्क। तो हम आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 104, पैराग्राफ नंबर 3 से। सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 104। तो आप लोग देख लीजिए, 10 years लेटर माई ग्रैंड मदर स्टिल मेड बटर मिल्क, बट नाउ इट वॉज विथ हर मिक्सी दैट माई अंकल हैड ब्राउड फॉर हर। इट मेड चर्नर अ लॉट ईजियर। शी पुट थिक योगर्ट इन टू द ब्लेंडर एट आइस कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रिज एंड प्रेस अ स्विच। आफ्टर 5 minutes द योगर्ट वुड फॉर्म ऑन टॉप एंड द बबल वेयर द सिग्नल फॉर माई ग्रैंड मदर। सो इससे पहले हमने पढ़ा था कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो एक मड़के में मिट्टी से बना हुआ जो मड़का उसमें चार्नर डाल के और उसको रस्सी से क्वाइल करके वो रस्सी को आगे पीछे खींचती है और उसमें बटर मिल्क जब डालते हैं तो जब रस्सी को खींचते हैं तो वहाँ से बटर अलग हम निकल जाते हैं और मिल्क अलग हो इसका वाटर जो है अलग हो जाते थे। तो जब वो रस्सी को खींचते थे तो सारे लम्स जो थे वो सारे बटर्स जो थे वो ऊपर कलेक्ट हो जाते थे और उसकी ग्रैंड मदर से अपने हैंड में जमा करके वो वहाँ पे राउंड वाइट राउंड बॉल्स बनाते थे बटर के। तो इस तरह से वो बटर मिल्क बनाते थे पुराने ज़माने में पोर्ट्स में डाल के उसमें चार्नर डाल के। तो उसके बाद 10 years later 10 साल के बाद माई ग्रैंड मदर स्टिल मेड बटर मिल्क, मेरी दादी माँ अभी भी बटर मिल्क बनाती है। बट नाउ इट वॉज विथ हर मिक्सी, लेकिन अभी वो पोर्ट में मड पोर्ट में नहीं बनाती, वो मिक्सी में बनाती है। दैट माई अंकल हैड ब्राउट फॉर हर, जो मेरे अंकल ने उसे ला के दिया था। इट मेड चार्नर अ लॉट ईजियर, अब चार्नर इससे भी ज़्यादा ईजी हो गई है। शी पुट थिक योगर्ट इन टू द ब्लेंडर, वो क्या करते हैं ब्लेंडर जिसमें हम जूस निकालते हैं, मिक्सी भी हम जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो योगर्ट को ब्लेंडर में के अंदर डाल देते हैं एट आइस कोल्ड वाटर। उसके बाद उसमें कोल्ड वाटर ठंडा पानी डाल देते हैं फ्रिज में से एंड प्रेस अ स्विच, उसके बाद स्विच ऑन कर देते हैं। आफ्टर 5 minutes 5 मिनट के बाद जो योगर्ट है वो ऊपर उस ब्लेंडर में फॉर्म बनने लगते हैं। फॉर्म मीन्स बबल की तरह, जो जब हम सोप जब हम साबुन लगाते हैं तो जो बबल्स निकलते हैं फॉर्म निकलते हैं उसको कहते हैं हम फॉर्म्स। तो ऊपर फॉर्म बन जाते हैं एंड द बबल वेयर द सिग्नल फॉर माई ग्रैंड मदर, और जब बबल बन जाती है तो ये ग्रैंड मदर के लिए सिग्नल होता है कि बटर मिल्क अब तैयार होने वाला है। शेयर अ लिटिल मोर वाटर, उसके बाद वो और थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं उसमें एंड प्रेस द स्विच अगेन, और बटन को ऑन कर देता है। सून लम्स ऑफ बटर वुड फॉर्म, उसके बाद वहाँ पर फिर से बटर के लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। वी वुड कलेक्ट द लार्ज लम, उसके बाद वो लार्ज लम को कलेक्ट करता है उसकी ग्रैंड मदर एंड फॉर्म, और पहले की तरह उसको लार्ज राउंड बॉल बनाते हैं और जो रिमेनिंग और जो बाकी रहता था उसको वो पॉइंट के जो राइटर थे उनके मुंह में डाल देते थे। दे स्टिल लेक टेस्ट लाइक बटरी हेवन, वो पहले की तरह फिर से टेस्ट वही था। Every part of India use बटर मिल्क, इंडिया के हर पार्ट में बटर मिल्क यूज़ होता है। In Kerala we simply water it down, put in a fresh curry leaves and drink it as sambaram। तो Kerala में इसको पानी में डालते हैं और उसके बाद उसमें कुछ करी लीव्स डालते हैं और उसको पीते हैं, जिसमें केरला में बटर मिल्क को संभारम एज अ संभारम वो लोग पीते हैं। इन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बटर मिल्क में क्या डाल देते हैं, स्पाइस इट विद ग्रीन चिलीज, वहाँ पे ग्रीन चिलीज मिर्ची डालते हैं एंड घींगर डालते हैं, करी लीव्स और सॉल्ट डालते हैं, ऑल ऑफ विच आर क्रश इट, और उन सबको क्रश करके एंड ऐड टू द बटर मिल्क में ऐड कर देते हैं। वी कॉल दीज माजगी और नीरमोर, इसको हम क्या कहते हैं, माजगी भी कहेंगे या नीरमोर कहेंगे। कर्नाटका आंध्र प्रदेश में बटर मिल्क को क्या कहेंगे, नीरमोर कहेंगे या माजगी कहेंगे। मच ऑफ नॉर्थ इंडिया एट अ कम्बिनेशन ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड क्यूमिन सॉल्ट डैश इट लेमन जूस एंड क्रश इट पुदीना और मिंट लीव टू दिया बटर और चास एस इट इज़ कॉल्ड द वाटरी डिलीशियस एंड लाइट
ड्रिंक इज़ एक्सेलेंट फॉर डाइजेशन एंड कूलिंग द बॉडी। तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे रोस्टेड ग्राउंड क्यूमिन्स डालते हैं, क्यूमिन ज़ीरा जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट डालते हैं और लेमन जूस डालते हैं, पुदीना क्रश करके पुदीना डालते हैं उसमें, मिंट लीव्स जिसे हम कहेंगे, और टू देयर बटर मिल्क में, और उसको छाछ छाछ भी कहेंगे। द वाटर दिस वाटर जो लाइट ड्रिंक होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए और हमारी बॉडी को कूल करने के लिए हेल्प करते हैं। पंजाब में, पंजाब ऑफ कोर्स हैज़ इट्स फेमस लस्सी मेड विथ थिक बटर मिल्क। तो पंजाब में बटर मिल्क से लस्सी बनाते हैं मिक्सड विथ फ्रूट लाइक उसमें मैंगोज डालते हैं। मैंगो लस्सी इज़ अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। तो कुछ मैंगो लस्सी जो है पूरे इंडिया में यूज़ होता है, इंडियन रेस्टोरेंट बंगाल में, इंडियन रेस्टोरेंट्स में। तो बंगाल में आई थिंक डजन हैव बटर मिल्क, सिर्फ बंगाल में बटर मिल्क नहीं होता, दे प्रेफर दियर मिष्टी दही। लेकिन वो लोग वहाँ पे मिष्टी दही, नॉट द लाइटर ड्रिंक, जो लाइटर ड्रिंक नहीं है मिष्टी दही वो यूज़ करते हैं। सिर्फ बंगाल में बटर मिल्क यूज़ नहीं होता, बंगाल में मिष्टी इन दही यूज़ होता है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में बटर मिल्क यूज़ होता है। कहीं पे फॉर एग्जांपल केरला में इसको वाटर में डालकर फ्रेश करी लीव्स इसमें डालते हैं और ऐसा सम्बारम पीते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में वहाँ पे इसमें ग्रीन चिलीज डाल देते हैं बटर मिल्क में, गिंगर डालते हैं, करी लीव्स डालते हैं और क्रश करके डालते हैं और पीते हैं, तो उसे नीर मोर कहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में रोस्टेड और ग्राउंड क्यूमिन, सॉल्ट, लेमन जूस इसमें डालते हैं, पुदीना लीव्स डालते हैं और उसको छाछ कहते हैं, छाछ। तो ओनली इन बंगाल।